हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ये हिमालय का अश्वगंधा के बारे में रिव्यू दूंगा। दोस्तों ये 180 रुपीस का है ये डब्बा, और 180 रुपीस में आपको 60 टैबलेट्स मिल जाएगा। सो दोस्तों टैबलेट्स कुछ इस तरह का दिखता है। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखिए। ये वीडियो में कुछ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ, क्योंकि ये मैं बहुत दिनों से ले रहा हूँ। ये कैसा है, अच्छा है कि नहीं, बुरा है, लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, मैं आपको बोलूँगा। और इसका क्या क्या मेन मेन बेनिफिट्स है आपको वो भी मैं शेयर करूँगा। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप लोग मिस नहीं करना, एंड तक ज़रूर देखिए। फाइन दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है ये हम लोगों को कैसे करके लेना है बोल के यहाँ पर लिखा हुआ है। और दोस्तों यहाँ पर एक टैबलेट में 250 mg अश्वगंधा है। फाइन सो दोस्तों, अश्वगंधा, अश्वगंधा एक संस्कृत वर्ड है। अश्वा मीन्स हॉर्स एंड गंधा मीन्स स्मेल, राइट। तो इसके लिए उसको हॉर्स का स्मेल्स भी बोलता है, हॉर्स ऑफ स्मेल्स। फाइन सो दोस्तों, अश्वगंधा को इंडियन जिनसेन एंड विंटर चेरी भी बोला जाता है। ये एक हर्ब है, ये ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया, अफ्रीका एंड मिडिल ईस्ट कंट्रीज में ग्रो होता है। दोस्तों इस प्लांट का रूट एंड बेरी से मेडिसिन बनता है। तो दोस्तों मैं आपका इसका मेन मेन बेनिफिट्स वगैरह बोलूँगा, ओनली पॉइंट्स बोलूँगा, ओनली हेडिंग्स बोलूँगा, आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। फाइन बेनिफिट्स, रिलीव्स स्ट्रेस एंड एंजाइटी, सपोर्ट हार्ट हेल्थ, बूस्ट इम्यूनिटी, बूस्ट एनर्जी, हेल्प्स लोअर शुगर लेवल्स, शार्पन्स फोकस एंड मेमोरी, हेल्प्स ट्रीट फैट इम्बैलेंस, इंप्रूव्स सेक्सुअल फंक्शन इन वोमेन, बूस्ट फर्टिलिटी एंड टेस्टोस्टेरोन लेवल्स इन मैन, कंट्रोल्स हार्मोन इम्बैलेंस, प्रोमोट्स हेल्थी वेट लॉस, लोअर्स ब्लड प्रेशर एंड फैट, इंक्रीजेस मसल्स एंड स्ट्रेंथ, हेल्प्स कंट्रोल इन्फ्लेमेशन, हेल्प्स प्रिवेंट स्लीपनेस, एक्ट एज एन एंटीएजिंग एजेंट, हेल्प्स इंप्रूव कंसंट्रेशन एंड मेमोरी फंक्शंस, बूस्ट फंक्शनिंग एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स। फाइन दोस्तों, ये हो गया मेन मेन इसका बेनिफिट्स। तो इसका अलावा भी इसका बहुत सारा बेनिफिट्स है दोस्तों। ये बहुत ही फायदेमंद का मेडिसिन है, बहुत ही फेमस आयुर्वेदिक मेडिसिन है हिमालय का। फाइन दोस्तों, बात हुआ है कि ये आपको एक हफ्ता या दो हफ्ता लेने से इसका रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा, ये थोड़ा आपको लॉन्ग टाइम तक लेना पड़ेगा। जैसे कि हो गया 3 महीना, 4 महीना यार, और मे भी 6 मंथ तक, जैसे आपका डॉक्टर्स बोलता है, तभी आपको आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और दोस्तों साथ ही साथ में आपको थोड़ा आपका फिजिकल एक्टिविटी भी मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग मान लो कि थोड़ा डाइट भी आप लोगों को मेंटेन करना पड़ेगा। जैसे कि मान लो कि आप लोग गुटखा खा रहे हो, ड्रिंक कर रहे हो, स्मोक कर रहे हो, और साथ ही साथ में ये ले रहे हो, तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। तो पहले दोस्तों हम लोगों को गुटखा खैनी, ड्रिंक, स्मोकिंग वगैरह छोड़ना पड़ेगा। उसके बाद में ये हम लोग लेंगे तो डेफिनेटली इसका रिजल्ट अच्छा आएगा दोस्तों। फाइन सो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। एक एक सिंपल सा मतलब वीडियो था जानकारी के साथ, होपफुली आपको ठीक ठाक ही लगा है। जो मेरा पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसमें मैं आपको आपके साथ शेयर किया हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। वीडियो अगर अच्छा लगे तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।